23 जुलाई को वैशाली नगर इलाके में सराफा व्यवसायी को शिकार बनाकर लगभग 25 लाख रुपए के आभूषण और हजारों के नकदी लूटने वाले शातिर गिरोह को पाली जेल से प्रोडक्शन वारंट के जरिए अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार कर रविवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने सभी 6 आरोपियों को 29 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। पुलिस रिमांड के दौरान सभी आरोपियों से लूटा हुआ माल बरामद करने का प्रयास करेगी। किशनगंज थाने के सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह ने बताया कि 23 जुलाई को वैशाली नगर इलाके में पीड़ित अनुभव उर्फ गुड्डा और उसके चचेरे भाई कुमार आनंद से 3 युवकों ने कार पंक्चर होने का इशारा कर बड़े शातिराना अंदाज में कार की पिछली सीट से नकदी और ज्वेलरी से भरा बैग चुरा लिया था। तभी से पुलिस इन लुटेरों की तलाश में जुटी हुई थी। कुछ दिनों पहले पाली पुलिस ने कर्नाटक के 6 लुटेरों को लूट के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में लुटेरों ने अजमेर में सराफा व्यवसायी के साथ लूट की वारदात का भी खुलासा किया, जिस पर किशनगंज थाना पुलिस ने पाली से सभी 6 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। दिनांक 23/7/2016 को अनुभव सोनी जी है, जो यहाँ के चोर सेवास रोड के रहने वाले हैं, वो मार्केट से अपने घर जा रहे थे तो मानसिंह होटल के पास में उनकी गाड़ी के किसी ने मतलब गाड़ी को पंचर करके और उनका ध्यान बटा के मतलब उसमें अपने अटैचर कोई सामान जेवर रुपये रख रखे थे, उनको कुछ मतलब अज्ञात चोर चोरी करके ले गए थे। उसके पश्चात फिर उन्होंने यही गैंग वहाँ पाली के अंदर वारदात करते पकड़ी गई थी। पाली पुलिस ने उनको वहाँ अरेस्ट किया था, उसके बाद में सोजत लेके आए थे। सोजत से उनको कल हम पीसी जैसी मतलब जैसी के आदेश से प्राप्त करके उनको यहाँ लेके आए हैं। आज उनका यहाँ हमने कोर्ट में पेश किया है, जिनको 29 तारीख तक पीसी रिमांड दिया गया है।